बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं इस कार्यक्रम का तीसरी बार हिस्सा बन रहा हूँ, तो तीनों बार में मैंने यही बात बोली कि जो लोगों के सवाल है वो मैं आपसे पूछता हूँ। लोगों का सवाल ये होता है कि जी ब्रोकर हमारे पास आता है, हमको सारी जानकारी देता है, जितना हम पूछ सकते हैं उतनी जानकारी देता है, लेकिन जिस समय हम इंश्योरेंस को भुनाने के लिए जाते हैं, यानी कि जिस समय उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो कई बार हमको बहुत सारी इश्यूज़ आते हैं, हर्डल्स आते हैं, और ये बात जग जाहिर है। ये आपके साथ भी हो सकता हुआ, अगर आप नहीं बताएंगे अपने परिचय देंगे तो हो सकता है आपके साथ भी हो। इन सारी प्रॉब्लम्स का आप कोई खाका खींचते हैं बींग एज एन कंसिडरेशन, कि आप उसकी लिस्ट बनाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे ताकि भविष्य में ना हो? देखिए, पहले मैं ईटी नाउ को थैंक्स धन्यवाद देना चाहता हूँ इंश्योरेंस महाकुंभ के लिए। थैंक यू। जैसे आपने कहा, बहुत सारे इश्यूज रहता है क्लाइंट का, स्पेशली आप, इट्स नॉट एनी पर्सनली, मैं कुछ बात नहीं कह रहा हूँ, इट्स व्हेन एन इंडिविजुअल एजेंट सेल्स ए पॉलिसी, पूरा वो जानकारी वो पॉलिसी होल्डर को देता है, इंश्योर को देता है। इट्स नॉट लाइक बाइंग ए सम ग्रॉसरी आर समथिंग ऑनलाइन। तो जान पहचान वाला होता है इंडिविजुअल एजेंट जो होता है, ही इज कनेक्टेड टू द पर्सन। सो इन आवर केसेस, स्पेशल इंडिविजुअल एजेंट्स के केसेस में ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत कम आते हैं। कम आते हैं एंड वेर एवर वी कम अक्रॉस सच प्रॉब्लम्स, वी टेक इट टू द रेगुलेटर, we take it to the government also, and okay. we see that initial stage पे वो proactively उस problem को कैसे solve किया जा सकता है, वो उस पर काम कर रहे हैं। जैसे मैं ना अभी गुप्ता जी की बात सुन रहा था कि जैसे fintech कंपनी और कुछ aggregator आए हैं, तो आप मेरे को ये बताइए, अब aggregator से जो ground पे जो पहले से network बचा होता है insurance वालों का, agents का था, उसके business पे फ़र्क पड़ा है कि उनका business और बढ़ गया awareness से? डिम्पी जी, आप फिनटेक कंपनी लाइजिए, वेब एग्रीगेटर लाइए या ब्रोकर आएंगे, कोई भी काम करेंगे, द फोर्स द फुट सोल्जर्स हु आर वर्किंग देयर आर इंडिविजुअल एजेंट्स ओनली। वो कैसे कर रहे हैं, ओएसपी के माध्यम से कर रहे हैं। मैं एक आंकड़ा बताऊंगा, ये आईआईडी की रिपोर्ट ही है, देश के अंदर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की कुल संख्या है करीब 27 लाख, इसमें 72% पुरुष है, 28% महिलाएं हैं। LIC के ही करीब 13.5 लाख एजेंट है, मतलब हर मोहल्ले में आपको एक LIC एजेंट मिल जाएगा। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट है 12.5 लाख, फिर जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के एजेंट की संख्या है करीब 19 लाख। तो अभी देखिए, बहुत बड़ी अपने आप में एक, अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो आप कह सकते हैं वोट बैंक है। वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक है, इसमें क्या दूर आएगी। और मैं लोकेश सर की बात से बात बिल्कुल मानता हूँ कि देखिए, आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, भले आप ऑनलाइन भी लें, लेकिन उसके अंदर भी अब अपनापन ज़रूर ढूंढते हैं, और मेरे को लगता है इंश्योरेंस उसमें से एक है जिसमें आपको थोड़ा अपनापन चाहिए होता है। आपको पता होता है कि भाई मैं ये पॉलिसी ले रहा हूँ, ये बंदा मेरे साथ खड़ा होगा कि नहीं होगा, ये कंपनी मेरे साथ खड़ी होगी। एक उदाहरण दूंगा, मेरा निजी उदाहरण, मैं हमेशा, जैसे अभी है ना इंश्योरेंस कवर करते हैं, तो बहुत ये पर्सनल उदाहरण है जिससे मुझे लगा, हमेशा मैंने ट्विटर पर भी बहुत बड़ी पोस्ट लिखी, लिंक्डइन पर भी पोस्ट लिखी एजेंट की महत्वता। तो कोविड के बाद लगा कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, मैंने परिवार में सबको बोला टर्म इंश्योरेंस लेना, तो मेरे चाचा के लड़के का मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया, और मैंने कहा यार अपन एजेंट को क्यों पैसा दे, वो 10-20% ज़्यादा कमीशन लेगा, अपन डायरेक्ट प्लान ले लेंगे। बाकी सब कंपनियों ने रेट्स बढ़ा दिए थे, मैं LIC की वेबसाइट पर गया, उस LIC का डायरेक्ट प्लान था टेक टर्म, वो प्लान मैंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट रिसीव भी हो गया। फिर फॉर्मेलिटी होती कि आपको हेल्थ चेकअप वगैरह होता, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने वो हेल्थ चेकअप करा, बाद में उनकी तरफ से मेल आया कि वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं, सैलरी स्लिप वगैरह वगैरह। वो मेल पे मेरे चाचा के लड़के ने सही से दिया नहीं दिया पता नहीं चला, और वो पेमेंट हुआ था प्रीमियम का, और वो पॉलिसी इशू नहीं हुई। मुझे लगा कर दिया है और ये करता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली वो चाचा के लड़के की 30 साल की उम्र में डेथ हो गई। तो वो हमेशा मुझे लगता है कि अगर वही पॉलिसी किसी एजेंट के थ्रू ली होती, तो वो एजेंट उसको पॉलिसी को क्लोज करवा के, आपको डॉक्यूमेंट दे के वो पॉलिसी क्लोज करवा के ही रहता। कई बार होता था कि 8:50 जगह 10 बजे भी फोन कर देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं, मैंने केवल डॉक्यूमेंट प्लीज कर दीजिए। 10% प्रीमियम का सोचा, लेकिन 50 लाख रुपए जो क्लेम मिलता वो कुछ नहीं मिला। ये निजी बात ऐसे है, अगर कोई अभिकर्ता को ये मालूम लग जाता है उसके क्लाइंट के कुछ प्रॉब्लम है, क्लेम हुआ है, देन द इंडिविजुअल एजेंट विल सी टू इट दैट इज क्लेम इज सेटल्ड एंड फाइनली ही रीचेस हिज होम सेफली। वो क्या है, जानकारी उनके साथ ही नहीं रहता है, पूरा बात उनका फैमिली से करते हैं। इट विल नॉट हैपन विद एनी
डिजिटल वर्ल्ड। अच्छा बाला, कोई, एक चीज, हाँ। आप कोई चार्ट बाट में ये नहीं कह सकते बात आई हैव बॉट ए पॉलिसी, आई हैव मेड ए क्लेम, चार्ट बाट विल स्पीक टू माय फैमिली, ऐसा नहीं होगा। इट्स ओनली विद इंडिविजुअल टच, इंडिविजुअल अभिकर्ता जो करता है वही होगा इंडिविजुअल टच। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पूरा दुनिया में इट्स द इंडिविजुअल एजेंट्स हु आर गिविंग बेस्ट सर्विस एंड ब्रिंगिंग गुड बिजनेस ऑल्सो। ग्रेट, एक्सलेंट। बाला, एक चीज़ मेरे को आपसे भी समझनी थी एक्चुअली में, जब भी हम किसी एजेंट से मिले या किसी भी फिनटेक मतलब इंश्योरेंस एग्रीगेटर से मिले, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, या किसी से भी देखिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए उसके अंदर, बेसिक चीज़ें क्या हैं? उस एजेंट के पास डिग्री होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, एग्रीगेटर के अंदर हम क्या क्या देखें जब हम एक इंश्योरेंस का चुनाव कर रहे होते हैं? तो बेसिक सा क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले जैसे लोगों ने भी बोला पहले हमें, डोंट लुक अपॉन अ डिस्ट्रीब्यूटर एज ओनली फॉर बाइंग द पॉलिसी। वो रिलेशनशिप बरकरार रहती है ड्यूरिंग द एंटायर पॉलिसी पीरियड, यस, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, चुनने के टाइम पे आप ऐसा चुनिए सिर्फ जो लोएस्ट प्राइस लाएगा मेरे लिए, उससे नहीं होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या बेचती है, एक वादा बेचती है जिसका आप सैंपल देख नहीं सकते, हाँ। छू नहीं सकते, और भविष्य में होगा, भविष्य में होगा तो क्या होगा, सो इट इज नॉट अ, इट्स अ प्रॉमिस विच इज बीइंग सोल्ड, राइट? यस। सो इसमें ऐसा नहीं है कि जो चीज अभी ऑनलाइन में लोग जो खरीदते हैं, माय डॉटर्स बाय बिग टाइम ऑनलाइन, तो क्या करते हैं, पहले जाके दुकान में देख लेते हैं वो कपड़ा या जूता देख लेते हैं, फिर आके ऑनलाइन में खरीदते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप छू के देख के नहीं बोल सकते, उसका इस्तेमाल होगा भविष्य में अगर कुछ दुर्घटना हुई तो। तो सबसे पहले आपको ये चेचना चाहिए, एक तो चीज़ है कि लीगली वेदर ही इज लाइसेंस्ड, द एजेंट इज लाइसेंस्ड, द ब्रोकर इज होल्डिंग अ वैलिड लाइसेंस, वो तो आप देख ही लेंगे। फिर आप उसको इवेल्युएट कीजिए, ये कितना बंदा काम कितना जानता है, उसकी जानकारी कितनी है। रिलेशनशिप एक तरह है, मेरा दोस्त होगा, क्लोज दोस्त होगा, उसके लिए मैं उसको दे दूँ बीमा, और उसकी कुछ जानकारी नहीं हो तो प्रॉब्लम है। तो आपको ये देखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर ही इज अ लाइसेंस्ड डिस्ट्रीब्यूटर, ही होल्ड्स एन एजेंसी लाइसेंस, ही होल्ड अ ब्रोकर्स लाइसेंस, और ही इज अ कंसोलिडेटर, बिकॉज देर आर मेनी इंश्योर टेक्स विच आर इन द मार्केट, जो कभी इंश्योरर भी नहीं है, ब्रोकर भी नहीं है, एजेंट भी नहीं है, ऐसे त्रिशंकु लोग होते हैं। सो वी शुड फर्स्ट सेट दैट थिंग, एंड सेकंड थिंग इज दैट यू सी हाउ मच ही विल बी एबल टू हेल्प यू इन टाइम ऑफ अ क्लेम, हाउ मच करेक्ट एडवाइस वो अपने को दे सकता है, वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सबसे चीपेस्ट प्राइस वो लाए उसको हम उसके पीछे हम चले जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, हाउ मच एवर वी ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, ऐसा नहीं होगा कि हम सब समझ लेते हैं। मेरी इस इंडस्ट्री में 40 बरस हो गई है, 40 इयर्स इन द इंडस्ट्री, बट मेरा गाड़ी का रिन्यूअल के लिए मैंने जब कोटेशन मंगाई थी, चार अलग अलग कोटेशन आए, मेरे को समझ में नहीं आता कि इसमें ये कवर्ड है कि ये एक्सक्लूडेड है, क्या है, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। हाँ, एक चीज़ मैं गुप्ता जी से, एक्चुअली आपने जो पॉइंट छोड़ा ना सर, वहीं से शुरू करता हूँ मैं। वैसे मैंने भी पॉलिसी पीबी फिनटेक से ली है, तो ये क्लियर कर देता हूँ ऑन एयर ही, है ना, मैंने भी पॉलिसी पीबी फिनटेक से ली है। सर मैं बताऊँ, कई बार क्या होता है ना, आप पॉलिसी से जब आप कंपेयर करते हो ना, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर कम होती है, कन्फ्यूजन बढ़ ज़्यादा जाती है कि भाई ये ले कि ये ले। अब कई बार लगता है कि ये छोड़ देते हैं, ये कितना ज़रूरी होगा, कितना ज़रूरी नहीं होगा, तो कोई रैशनैलिटी हो सकती है किया कोई, जैसे आप, आपके पास तो इससे मल्टीपल केसेस आते होंगे ना कि स्विच भी करते होंगे लोग। देखिए, मैंने जब बोला कि कंपैरिजन आपको मिलता है सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए समझने के लिए कि क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में, पर हम वहीं पर बात को छोड़ते नहीं। आपने पीवी फिनटेक का नाम लिया है, हमारे कॉल सेंटर से तुरंत आपको कॉल जाता है कि आप मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे थे और क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आपको अगर देखते वक्त कुछ दुविधा हो, समझने में दुविधा हो, तो आप उनको पूछ सकते हैं कि मैं ये पॉलिसी देख रहा हूँ, इसमें क्या जीरो डेप्रिसिएशन कवर्ड है, इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर नहीं है, इसमें ऐड ऑन और मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ। तो कंज्यूमेबल्स एक फीचर होता है गाड़ी लेते वक्त कि उसको ऐड कर सकता हूँ, तो यू कैन क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। जब आप किसी चीज़ को टिक करते हैं, मुझे इंश्योरेंस लेते वक्त ये चीज़ें चाहिए, तो आपको उन फीचर्स के साथ ही कंपेरिजन आता है। तो अगर आपको कोई भी दुविधा हो, कन्फ्यूजन हो, तो उस कॉल सेंटर यू नो एग्जीक्यूटिव के थ्रू आप उस क्लैरिफिकेशन को सीख कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केट में आप इसको रिकन्फर्म कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने बताया, सर ने बिल्कुल सही बताया, आज 100 लोग मेरे पास आते हैं,
सारे 100 मेरे से इंश्योरेंस नहीं खरीदते हैं, मेरे से नॉलेज लेके जाते हैं। लेकिन सर आप इतने कॉल करते हैं उनको, मेक श्योर करते हैं कि खरीदे, मैंने नहीं लेते एक बार पॉलिसी में केवल कंपैरिजन किया था और मुझे इतने कॉल आए, मैं आई एंडेड अप बाइंग टर्म इंश्योरेंस। गुड ओनली नहीं, ऐसा है कि एक होता है नॉलेज शेयरिंग, दूसरा वही लोग जाके, ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस खरीदते नहीं, एजेंट से भी खरीदते हैं, ब्रोकर से भी खरीदते हैं। और मेरे विचार में एवरीबडी हैज एन इम्पोर्टेंस इन द सिस्टम, क्योंकि एजेंट्स हर जगह पहुंच नहीं पाते हैं। अगर 27 लाख एजेंट भी हैं, आज इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, करेक्ट, और ब्रोकर्स हैं, इतने सारे ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स की एक अपनी कम्युनिटी होती है, एक अपनी रीच होती है, एग्रीगेटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की एक अलग रीच होती है। मुझे लगता है कि आज इन सबके होने के बावजूद किसी का बिजनेस घटा या बढ़ा नहीं है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का बिजनेस अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है, अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, इतना स्कोप है, और एजेंट्स की भी स्कोप है, और एग्रीगेटर्स की भी स्कोप है, और ब्रोकर्स की भी स्कोप है। अगर आप फोकस करें कि मैं इंडिया में इंश्योरेंस फॉर ऑल की तरफ फोकस करूं, तो मुझे लगता है सभी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं एक एडिशनल जवाब दे सकता हूं, आपके पहले सवाल का भी वही जवाब आएगा, कैसे चुनना है इंटरमीडिएटरी, और बाद में आप पूछते हो कि कितना कॉम्प्लेक्स बना देते हो, कंपैरिजन में मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेनू कार्ड देख के कंफ्यूज होते ही हैं, फिर फाइनली बोलते हैं व्हाट डू यू सजेस्ट। सो आप चुन लो ऐसा इंटरमीडिएटरी जो उसकी अच्छी जानकारी हो, अच्छा कंट्रोल हो, और उसके ऊपर भरोसा करके चुन लीजिए, टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, भरोसा। बिल्कुल, आपको अपने एजेंट के ऊपर, ब्रोकर के ऊपर, फिनटेक या कोई भी इंटरमीडिएट के ऊपर भरोसा होना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए, विच इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। सर ये 28% मैं देख रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो आपका कुल कारोबार है वो 28% ब्रोकर्स के थ्रू, तो ये कौन सी टारगेट ऑडियंस है 28% जो ब्रोकर्स जिनको कर रहे हैं कवर? ये ब्रोकर्स का जो हेल्थ इंश्योरेंस का ज्यादातर टारगेट है ग्रुप हेल्थ, ग्रुप हेल्थ, इट इज नॉट द रिटेल हेल्थ, बिकॉज रिटेल ब्रोकर्स का एम्प्लॉई है, हमारी कंपनी लेती है, कंपनी लेती है, पॉलिसी कंपनी लेती है सभी एम्प्लॉयज के लिए, तो उधर ही जा रहे हैं कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, नॉट द रिटेल इंश्योरेंस जो इंडिविजुअल खरीदता है। वो करते हैं ब्रोकर्स, जैसे पॉलिसी बाजार भी ब्रोकर ही है, वो करते हैं प्लेटफॉर्म में, करते हैं कम करते हैं, दैट इज एन एरिया विच इज मेनली फॉर द एजेंट्स, एजेंट्स डू बिग टाइम इन दैट। तो ब्रोकर्स की फोकस है ग्रुप हेल्थ, ग्रुप हेल्थ। मुकेश सर एक चीज मेरे को आपसे और समझनी है, जो भी आपके ब्रोकर्स होते हैं, जिनको भी आप लाइसेंस करते हैं या देखते हैं, उनको टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन होता है इनका? टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन कहने का मतलब एजेंट्स का, माफ कीजिए, कि जैसे मान लीजिए कोई नया रेगुलेशंस आया, कुछ नई चीज आई है, कुछ नया अपडेट आया, तो इनका टाइम टू टाइम आप इंश्योर करते हैं या खुद से स्टडी करते हैं, कैसे होता है? कंपनीज का तीन साल, हर एक तीन साल को आपको लाइसेंस रिन्यूअल कराना पड़ता है, देयर विल बी कंपनीज विल बी कंडक्टिंग ट्रेनिंग्स, ओके, पीरियडिकल ट्रेनिंग्स होता रहता है। एंड टू ऐड टू मिस्टर बाला एंड सर, इफ यू स्पीक टू सम ऑफ दी एच एन आईज आर एनी क्लाइंट्स हु आर हैविंग मल्टीपल व्हीकल्स, आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट का नाम लेंगे, या अभिकर्ता का या ब्रोकर का नाम लेंगे, दे आर डूइंग ऑल ओवर, दे आर टेकिंग केयर ऑफ इंश्योरेंस, कौन सा कंपनी से है उनको पता नहीं है, दे विल से वो जो एजेंट है वो देख रहे हैं पूरा बीमा उनके पास है। सर बीमा सुगम अब आने वाला है, तो इसको कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेज़न ऑफ इंश्योरेंस कहा जा रहा है आईडीए के द्वारा कि सब कुछ उससे ही हो जाएगा, तो फिर एजेंट का काम क्या बचेगा? अनुराग जी आई थिंक मेरे से बेहतर आप जानते हैं, यू आर कवर्ड बीमा सुगम एक्सटेंसिवली, क्योंकि सब कुछ है उसमें, आधार कनेक्टेड है, पॉलिसी कनेक्टेड है, क्लेम सर्विसिंग सब कुछ अमेज़न ऑफ इंश्योरेंस। सर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स अवेलेबल, इट्स गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर द इंडस्ट्री, एंड वी आर होपफुल दैट गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर विल नॉट हैम्पर एनीवनस बिजनेस, वेदर इट्स एजेंट और ब्रोकर और वेब एग्रीगेटर। ओके सर, आपसे बाला सर